हेलो 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 बेटा, वॉइस वगैरह क्लियर है बेटा? आ रही है? चलो भाई, क्लियर है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज अपना सेशन बेटा कौन सा है? क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अपन क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे कंप्लीट बायोलॉजी के, इसमें जूलॉजी बॉटनी कंप्लीट जो है पूरे क्वेश्चन रहेंगे। और देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। अगेन टाइम लगा देंगे, मैं आपके लिए टाइम लगा देंगे, आप उस टाइम में आंसर बताइएगा और इसके बाद देखेंगे कि आपके आंसर सही है कि रॉन्ग है। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि अभी एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं और अब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अपने को और रिवीजन करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर बताते जाइएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आप लोग आंसर बताना। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया है, आंसर बताएंगे, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओनली 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, 15 सेकंड में आंसर बताना है बेटा। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए, टाइम खत्म होने वाला है। चलो भाई हो गया टाइम। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कलर जो है चेंज हो गया, ग्रीन कलर से कैसा कलर हो गया? ग्रीन कलर से दे रखा है रेड कलर। ठीक है, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटो। ठीक है, जब टोमेटो की राइपनिंग हुई, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का हुआ? तो ग्रीन कलर से जो है रेड कलर हो गया है, तो इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो चुका है बेटा? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है यही कलर देने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, अगेन टाइम वही रहेगा 15 सेकंड का, और 15 सेकंड में आपको आंसर बताने रहेंगे। विच ऑफ द गिवन इवेंट अकर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है? आंसर बताएंगे बेटा। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। देखो बेटा, यहाँ पे सेल साइकिल की जो एस फेज होती है, एस फेज की अगर मैं बात करूं तो पहले G1 होता है, S होता है, G2 हो गया और M हो गया। अब यहाँ जो एस फेज होती है, यहाँ पे दो काम होते हैं, एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है और एक साथ ही साथ जो है सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो रहा होता है, सेंट्रियोल का। ठीक है, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो रहा होता है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, दोनों आ जाएंगे आंसर। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह ये नहीं, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर। ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपको आंसर बताने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर, द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की शेप को स्टडी करने की जो बेस्ट स्टेज होती है बेटा, वो कौन सी होती है? मेटाफेज। क्योंकि जो माइटोसिस होती है ना, एम फेज होती है, उसको डिवाइड करते हैं अपन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, और जो मेटाफेज होती है उसमें जो है मार्फोलॉजी क्रोमोसोम की अपन स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट लाइन है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकेंड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी इंक्लूड ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट, क्या नहीं होता? आंसर बताएंगे बेटा इसका। हो गया टाइम, बताओ बेटा टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सारी चीजें होंगी टैक्सोनॉमी में। लेकिन अगर इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इनकी फाइलोजेनी, इनकी बात करें तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फोर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फटाफट करेंगे बेटा, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे 1 2 3 4 कौन सा आंसर जाएगा इसका। बताते जाइए आंसर फटाफट। चलो भाई हो गया टाइम। देखो बेटा यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बताओ, सबसे पहले हर्बेरियम, म्यूजियम ये सब दे रखा है, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कंजर्वेशन करना है अगर अपने को प्लांट्स का, ठीक है, तो उसके लिए कौन होता है, बॉटनिकल गार्डन होता है, तो डी का आ जाएगा सेकंड। डी का सेकंड कहां दे रखा है, डी का सेकंड यहां दे रखा है, यहां भी दे रखा है, ठीक है, ये ऊपर वाले तो गए बाहर। और अगर हम सी की बात करें हर्बेरियम की, तो जो क्विक रेफरेंस होता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का, वो कौन सा चला जाएगा, हर्बेरियम चला जाएगा, सी का आ जाएगा 1, और सी का 1 यहां पे दे रखा है, वहां तो सी का 4 दे रखा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 इसका, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 6 के बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन, 7 वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा। विच ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ कॉज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है, स्लीपिंग सिकनेस। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में तो अमीबा एंड अमीबा वगैरह आते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात करूं तो इसमें जो है सिलिएटेड वाले में तो पैरामीसियम आ जाएगा, और फ्लैजिलेटेड वाले में कौन आता है, ट्राइपेनोसोमा, जिससे होता है स्लीपिंग सिकनेस, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। और स्पोरोजोआ में तो आता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम आ जाएगा। चलो भाई आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 8 नंबर वाला क्वेश्चन, 8 वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, 7 हो गया बेटा, 8 वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 8 वाला क्वेश्चन आंसर बताएंगे, टाइम हो गया। माइसिलियम जो होता है वो सिनोसिटिक और एसेप्टेड, बेटा फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये फंजाई की क्लासेस होती हैं, और इसमें अगर कहीं भी आ जाए माइसिलियम जो दे रखा है वो सिनोसिटिक और एसेप्टेड है, तो कौन सा आंसर जाएगा, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, फाइकोमाइसिटीज याद रखना, फाइकोमाइसिटीज होता है। बाकी इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यहां से क्या आता है, एग्जाम्पल आता है, अगर अभी तक लर्न नहीं किया तो एग्जाम्पल लर्न कर लेना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है। चलो भाई 9 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट आंसर बताओ, 15 सेकंड बहुत है क्वेश्चन के लिए बेटा, 15 सेकंड में आंसर बता दो फटाफट, आंसर बताएंगे बेटा, मैं आपके आंसर देख रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। हाँ भाई हो गया टाइम। देखो बेटा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना रूट कैप के बारे में, रूट कैप के बारे में इनकरेक्ट, बेटा करेक्ट इनकरेक्ट को जरूर सर्कल में बंद कर लिया करो। और रूट कैप की बात करो तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सही बात है, रूट करेक्ट है, यूनिसेलर ये बोला है, यूनिसेलर बेटा रूट हेयर नहीं दे रखा है, रूट कैप दे रखा है, और रूट कैप क्या यूनिसेलर मल्टीसेलर ऐसा होगा क्या, नहीं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। बाकी ये रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है पैरेन्काइमेटस सेल, बिल्कुल सही बात है, इन सबसे मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेडिसिनल प्लांट ऑफ फैमिली फेबेसी, फैमिली फेबेसी का मेडिसिनल प्लांट जल्दी बताएंगे बेटा आंसर, फैमिली फेबेसी का मेडिसिनल प्लांट कौन सा होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो गया टाइम बेटा, और पहला ही ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा बेटा मुलाठी। अगर इसकी बात करूं तो ये कौन सा होता है, ये फैमिली फेबेसी में आता है और मेडिसिनल पर्पज से यूज किया जाता है। जो मार्फोलॉजी वाला चैप्टर है उससे अगेन बता रहा हूं, केवल जो एग्जाम में याद करके जाना वो एग्जाम्पल लर्न करके जाना, ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है मोनोकॉट रूट के बारे में, मोनोकॉट रूट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फटाफट आंसर बताएंगे बेटा 11 नंबर वाले क्वेश्चन का। बेटा टाइम और दूं क्या, अगर इतना टाइम कम पड़ रहा हो तो टाइम और दे दूं, 20 सेकंड कर दूं क्या, 20 सेकंड में आंसर बताओगे, 20 सेकंड कर देता हूं आगे से, ठीक है। देखो यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट पहले ऑप्शन में दे रखा है बेटा, यहां पे देखो कॉर्ड कैम्बियम दे रखा है, वो बोल रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम ये सब मोनोकॉट रूट में पाया जाता है, क्या मोनोकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम या कैम्बियम देखने को मिलेगी, क्या वैस्कुलर छोड़ो कैम्बियम देखने को मिलेगी या मोनोकॉट रूट में, नहीं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बाकी नीचे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अगर पहला वाला इनकरेक्ट है तो जो है आगे पढ़ना ही नहीं, ठीक है, आंसर आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद वाले ऑप्शन तो कोई पढ़ना ही नहीं है, वैसे भी दिख रहा है कैम्बियम अब्सेंट होती है, पिथ लार्ज और वेल डेवलप होता है, ये मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही है। वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे रूट की बात करूं तो पॉलीआर कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकंड दे देंगे, 20 सेकंड में आंसर बताना बेटा, करेक्ट ऑप्शन पूछा है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे करके करेक्ट ऑप्शन पूछा है, आंसर बताएंगे फटाफट।
दो स्टेटमेंट देकर के पूछ रहा है बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी था पहले भी कि अगर मैं कोर कैम्बियम की बात करूं तो ये पहली बात एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और फेलोडर्म की बात करूं, आपको याद होगा फेलोजन होता है, और फेलोजन जो होता है वो दो चीजें बनाता है बेटा, एक फेलम बनाता है और एक फेलोडर्म बनाता है, और तीनों को मिलाकर के फिर बोलते क्या है, पेरिडर्म बोलते हैं, ठीक है, तीनों को मिलाकर के पेरिडर्म बोलते हैं। और ये जो फेलोडर्म होता है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है, पेरिडर्म आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आंसर कौन सा आएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल पूछा है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो भी नहीं सकता, इसमें तो 15 सेकंड ही दूंगा आंसर बता दो, ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड में। चलो भाई हो गया टाइम, आंसर बताओ। अगर यहां पे इनकी बात करूं तो ये सब कौन से हैं, ये ग्रीन एल्गी हो गए, और एक्टोकार्पस की बात करूं तो एक्टोकार्पस क्या होता है, ब्राउन एल्गी, ये कौन सा हो गया, रेड एल्गी हो गया, ठीक है। एग्जांपल जरूर याद रख लेना, एग्जांपल से क्वेश्चन आ सकता है, आंसर कौन सा आएगा, फोर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सिनगैमी, सिनगैमी जो होता है इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, सिनगैमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ, सिनगैमी में क्या होगा, 15 सेकंड ओनली, 15 सेकंड में आंसर बताओ बेटा, सिनगैमी में क्या क्या होता है। सिनगैमी में होगा एक मेल गैमेट और एक पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन, एक पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा क्या सिनगैमी में, नहीं, ठीक है। एक मेल गैमेट और फर्स्ट के बाद सीधे फोर्थ में आ जाया करो, फोर्थ वाला देखा करो, एक मेल गैमेट का एक एक्सल के साथ फ्यूजन, ये क्या कहलाता है, सिनगैमी कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन जब एक जो है मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज करता है तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिला दो तो डबल फर्टिलाइजेशन बन जाता है, ये भी बात जो है याद रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा, फटाफट आंसर बताएंगे। हो गया टाइम बेटा, 15 सेकंड ओनली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज करना है। अगर अपन टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम हो जाएगा कि ज्यादा, अंडरस्टूड वाली बात है, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रांसपिरेशन बढ़ता है और कम करने पर कम हो जाएगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इसका फर्स्ट ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी हवा की स्पीड ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और पानी ज्यादा देंगे सॉइल को तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताएंगे बेटा 15 सेकंड में। हो गया टाइम बेटा, देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीफ सिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट आर ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट, मतलब जो सिंक है वो क्या क्या हो सकता है, वैसे भी मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में भी अपन कर लेंगे। अगर एपिकल मेरिस्टम दे रखा है, यंग लीफ दे रखी है, लैटरल मेरिस्टम दे रखा है, तो अगर उसमें से कोई भी एक लगाएंगे तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, यंग लीफ और लैटरल मेरिस्टम भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब यंग वाले पार्ट, ये सब डिवीजन वाले पार्ट है जिनमें डिवीजन हो रहा है, लेकिन सेनेसेंस वाले पार्ट की बात करूं तो ये ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें डिवीजन होगा, ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर। वैसे ही पूछ रखा है कि सारे हैं लेकिन कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द सेल, मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द सेल कौन कौन से होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा आप, जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं, कौन बता रहा है, ऋतु, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, सही आंसर आ रहा है, 16 हो गया बेटा, 17 में आ जाओ, 17 वाले का आंसर बताओ, 16 हो चुके हैं, 17 में आ गए। कौन सा एलिमेंट जो है स्ट्रक्चर होते हैं, तो कौन से, CHON, ठीक है, यही होते हैं, कौन, बात समझ में आई, बाकी MN का तो यूज किया जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, ठीक है, मैग्नीशियम रूबिस्को पेप्को पेपकेस के लिए होता है, ठीक है, ऐसे करके, और बाकी आपको पता ही है, जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इन एंजाइम के लिए होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज वगैरह के लिए, ठीक है। चलो 17 के बाद 18 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये वाला बेटा क्वेश्चन कहां से दे रखा है, एट विच ऑफ द गिवन रीजन इन रूट सेल इनिशिएशन ऑफ नोडुल फॉर्मेशन, नोडुल फॉर्मेशन जो होती है, राइजोबियम वाले पैराग्राफ में दे रखा है, जहां पे मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में राइजोबियम का जहां पे डायग्राम बना हुआ है वहां पे दे रखा है, और इनर कॉर्टेक्स वाले रीजन से स्टार्ट होता है ये,
ना रूट हेयर एपिडर्मल सेल ऑफ पिथनी जाएगा, इनर कॉर्टेक्स वाले रीजन से नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन भी होता है जो ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह वर्क करता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है जो कैसे कंडीशन रिक्वायर्ड होती है इसको एनएरोबिक, ठीक है, एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही सिंपल, विच ऑफ द गिवन एल्गी वाज यूज बाय टीडब्ल्यू एंगलमैन ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, बहुत कौन सा एल्गी का यूज किया गया था बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताते जाओ। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया, इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एल्गी का यूज किया गया था। ठीक है, अच्छा इसका यूज किया जाता है क्लोरेरा का, किसकी तरह यूज किया जाता है, फूड सप्लीमेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और जेलिडियम गैसिलेरिया ये तो कौन सी एल्गी है, रेड एल्गी है। ठीक है, रोडोफाइसी में आएगा। चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ड्यूरिंग फोटो एक्सप्रेशन लॉस ऑफ CO2 अकर्स इन विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर बताएंगे बेटा, हो गया 15 सेकेंड, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो भाई आ जाओ 21 वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन रहने दो या तो इसके आगे वाला कर लेते हैं 22 वाला, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, केवल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करो। विच ऑफ द गिवन फंक्शन एज कॉम्प्लेक्स फोर्थ इन ETS, बेटा कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूं ETS में केवल एक ही चीज पढ़नी, वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कौन सा आता है, NADH dehydrogenase, ये तो कॉम्प्लेक्स वन में आ जाएगा। ठीक है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये आएगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। ठीक है, इसके साथ ही साथ AN8-3 और दो कॉपर एटम, ठीक है, ये सब किस में आता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। आप लोग का कौन सा आंसर आया था, हाँ 22 तक अभी नहीं पहुंचे क्या, 22 तक फटाफट पहुंचो बेटा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इनकरेक्ट मैच बताना बेटा फाइटो हार्मोन के बारे में, जल्दी बताएंगे। टाइम खत्म हो गया बेटा, देखो इंडोल कंपाउंड जो होता है इंडोल एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, इंडोल कंपाउंड इंडोल एसिटिक एसिड होगा। अच्छा टर्पिन्स की बात करूं तो एंसिड फर्फ्यूरो एम्यूनोप्यूरिन जो होता है, ये जो है ये टर्पिन्स नहीं होता, ये होता है एडिनिन। ठीक है, एडिनिन। और अगर टर्पिन्स की बात करूं तो ये तो होता है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ना, बाकी तो सही है कि काइनेटिन और डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनाइड ये जो दे रखा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इसका आंसर कौन सा आएगा, सेकंड, क्योंकि इनकरेक्ट मैच पूछा ना, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाओ 24 वाला, 24 वाले क्वेश्चन में आ जाओ, आंसर बताएंगे फटाफट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है ना, बाकी जो है एब्सिसिक एसिड होगा जो स्ट्रेस हार्मोन होगा प्लांट में। ठीक है, चलो बाकी बताने की कोई बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, स्टोमेटा को क्लोज कराने का काम करता है। ठीक है, लाइफ स्पान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जल्दी बताएंगे फटाफट आंसर बताएंगे 25 वाले क्वेश्चन का। टाइम हो गया बेटा खत्म, टाइम हो गया, बताओ पीरियड फ्रॉम बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पान बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फर्स्ट के बाद सीधे फोर्थ में आ जाया करो, फोर्थ वाला देखा करो, ये नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं साइज पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, नॉट साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि साइज बड़ा है तो लाइफ स्पान ज्यादा होगा, साइज छोटा है तो लाइफ स्पान कम होगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, गिवन प्लांट ग्रुप गैमिट ट्रांसफर अकर्स बाय वाटर, गैमिट ट्रांसफर पानी के द्वारा होता है, पानी के, पानी जो होता है वो मीडियम होता है गैमिट ट्रांसफर के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओनली 15 सेकंड में करो इसका आंसर बताओ। हो गया बेटा टाइम, सुनो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि किसमें जो है जो गैमिट ट्रांसफर होता है वो वाटर के थ्रू होगा, तो जो लोअर प्लांट ग्रुप होते हैं एल्गी हो गया, एल्गी के साथ साथ कौन सा हो गया, ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा, इन सब में मतलब एबीसी, एबीसी कौन सा दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, आंसर कौन सा चला जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, आंसर बताएंगे बेटा 26 का, 26 नहीं 27 में आ गए, टाइम खत्म हो चुका है बेटा। ये क्वेश्चन की सिंपल ट्रिक होती है, मैं हजार बार बता चुका हूं, 5n/4
5n कितना हो जाएगा 100 बाई 4, ये कितना आ जाएगा 125, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 4. हाउ मेनी गैमेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन सीड इन एन एंजियोस्पर्म. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, चलो कर लो थोड़ा सा, ठीक है. बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप बेटा रितु, बिल्कुल सही आंसर बता रहे, वेरी गुड. 28 वाले का बताओ, बिल्कुल सही आंसर है 28 वाले का, बिल्कुल सही, सेकंड आ जाएगा, ठीक है, सेकंड का मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है. चलो भैया आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, 29 में. विच ऑफ द गिवन ब्लड ग्रुप इज आर नॉट पॉसिबल इन प्रोजेनी व्हेन पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, सेकंडों में कर दोगे ये वाला क्वेश्चन तो. बताओ, ओनली 15 सेकंड, टाइम खत्म. बताओ अगर ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में कौन सा नहीं हो सकता, बताओ. बच्चे में यही नहीं हो सकते, ए बी और ओ, ए बी और ओ बच्चे में नहीं हो सकते, बाकी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन ए बी और ओ नहीं हो सकता, ठीक है. सी और डी, आंसर कौन सा चला जाएगा, आंसर आ जाएगा बोथ सी एंड डी, ठीक है. 30 वाले क्वेश्चन में आ जाओ. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है, फटाफट आंसर बताएंगे बेटा. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है, टाइम खत्म हो रहा है, हो गया टाइम खत्म. बेटा हीमोफीलिया की बात करूं तो ये तो सेक्स लिंग होती है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस ये ऑटोसोमल हो जाएगी, लेकिन ऑटोसोमल में रिसेसिव होती है. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट. एनसीईआरटी में दे रखा है, डायग्राम बना हुआ है. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, बेटा यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होते हैं, और इसमें जो सेकंड वाला होता है वो किसको बनाता है, बताएंगे सेकंड वाला किसको बनाता है. सेकंड वाला बनाता है एचएनआरएनए, एचएनआरएनए प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का, और इसको बनाने का काम करता है. बात समझ में आ रही है, बाकी ये तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट चला जाएगा, और ये किसके द्वारा चला जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, याद रखना. आरएनए पॉलीमरेज के बारे में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ओनली 15 सेकंड. पहला स्टेप जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का होता है वो क्या होता है, डीएनए को आइसोलेट करना, हाइब्रिडाइजेशन, ऑटो रेडियोग्राफी की ब्लॉटिंग, जल्दी बताएंगे आंसर बेटा इसका, टाइम खत्म. बताओ इसका पहला स्टेप कौन सा होता है, आइसोलेट करना. सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, इसके बाद ही तो कुछ करेंगे. अगर आइसोलेट ही नहीं करेंगे तो कुछ कर पाएंगे क्या. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में केवल एक ही चीज याद रखना है, और वो है इससे सारे स्टेप, स्टेप सारे याद रख लेना, और ब्लॉटिंग के लिए ट्रिक याद रख लेना जो मैंने बताई थी, स्नो ड्रॉप, ठीक है, कि किसके लिए कौन सी ब्लॉटिंग होती है, ठीक है. साउदर्न ब्लॉटिंग जो है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, बस इतना याद रखना, ठीक है. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन उससे दे रखा है जो है स्ट्रेटजीज इनहांसमेंट वाले से, और फटाफट बताएंगे ये वाले क्वेश्चन का आंसर. हो गया बेटा टाइम. अगर इसमें राइज हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर रेजिस्टेंट टू वीट रस्ट डिजीज इज ए वैरायटी ऑफ विच ऑफ द गिवन क्रॉप, ब्रैसिका, ये सब किसके लिए किया गया है, ब्रैसिका, राई जो होता है ना, ब्रैसिका के लिए, ठीक है. चलो भाई आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट द सेल्स आर फर्स्ट ट्रीटेड विद, किससे ट्रीट करते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पेक्टिनेज एंड सेलुलेज जाएगा क्या आंसर, बोलो. यस, पेक्टिनेज और सेलुलेज आंसर चला जाएगा बोथ ए एंड बी, पहला ऑप्शन चला जाएगा इसका आंसर बोथ ए एंड बी. चलो 35 में आ जाओ. माइक्रोब्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैव बीन ना ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट कौन सा होता है, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा. साइक्लोस्पोरिन ए ये तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, ठीक है, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट होता है स्टैटिन, मोनोसस परप्यूरस ईस्ट से मिलता है. और स्ट्रेप्टोकाइनेज ये तो क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना. तीनों बातें मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बन सकती हैं, आंसर कौन सा जाएगा वन. 36 में आ जाओ. लेडी बर्ड एफिड्स और डैगन फ्लाई मॉस्किटो, फटाफट बताओ इसका आंसर कौन सा जाएगा. 36 का आंसर बताएंगे बेटा, 35 का वन, वेरी गुड बेटा, 36 का आंसर बताओ. हाँ हो गया टाइम, 36 का कौन सा चला जाएगा, लेडी बर्ड एफिड्स, ठीक है. अच्छा मॉस्किटो के लिए किसका यूज करते हैं, ड्रैगन फ्लाई का,
मॉस्किटो के लिए ड्रैगन फ्लाई का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी, इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए बेसिक यूनिट क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम। जल्दी आंसर बताएंगे बेटा, टाइम खत्म होने वाला है। इसमें आंसर कौन चला जाएगा? ऑर्गेनिज्म चला जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 के बाद 38 में आ जाओ। नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज कॉल्ड, जितनी डेथ होती है उसको क्या बोलते हैं? बस 10 सेकंड बहुत है इसके लिए, ठीक है। और आंसर कौन सा जाएगा? मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब डेथ जब होगी तो उसको क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। नेटेलिटी जो जितनी बर्थ होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाओ। 39, फटाफट आंसर बताते जाएंगे बेटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप। चलो भाई टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। बताओ ऑल ऑफ द गिवन आर सीरियल कम्युनिटीज विद रिस्पेक्ट टू जिराक सक्सेशन। बेटा सक्सेशन इकोलॉजी वाले चैप्टर से है, ठीक है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? देखो ब्रायोफाइट, हर्ब्स और सर्व, ये सब चीजें आती हैं, बस क्या नहीं आता? लाइकेन, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डीकंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस इज स्लो इफ इट कंटेन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, एनसीईआरटी की लाइन से ही सारे क्वेश्चन है बेटा। वो बोला डीकंपोजिशन स्लो होगा, कब स्लो होगा? जब उसमें डिपोजिशन हो जाएगा किस चीज का, कौन सी चीज होगी? लिग्निन, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ये शुगर वगैरह होती है तो जो डिकम्पोजिशन की रेट होती है वो फास्ट होती है, ठीक है, लिग्निन की वजह से स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। गिवन टैक्सा कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू वर्टिब्रेट, अच्छा वर्टिब्रेट में पूछ रहा है, मैमस, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आंसर बताएंगे बेटा 41 का, 40 का 4, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 41 का आंसर बताओ, ठीक है। टाइम खत्म हो गया और इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड, ठीक है, फिशेस, ठीक है। एनसीईआरटी में देखोगे जाके तो वहां बना हुआ है, डायग्राम बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की इक्वेशन पूछ रहा है, जो होता है S बराबर CA की पावर Z, लेकिन वो पूछ रहा है लॉगरिथमिक फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है। और लॉगरिथमिक फॉर्म की बात करें तो कौन सा आंसर चला जाएगा इसका बताओ? इसका आंसर चला जाएगा ये वाला, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म पूछ रहा है? वो वाली नहीं पूछ रहा कि अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ बना दे, ठीक है। लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये वाला आंसर चला जाएगा, ठीक है। 42 का कौन सा जाएगा? सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई 43 में आ जाओ। 42 का 2, वेरी गुड बेटा, 43 में आ जाओ, वेरी गुड बेटा ऋतु, बहुत अच्छा आ जाएंगे आपके, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, 350 समथिंग, बहुत अच्छे बता रहे हैं आंसर आप। 43 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताओ बेटा, खत्म टाइम हो गया बेटा। वो पूछ रहा है ABC, कौन सा? 43 वाला याद है कि नहीं याद है आपको? बताओ आंसर कौन सा है 43 का आपका? हाँ कौन सा आंसर बता रहे हो? 41, 42, 43, जल्दी बताओ बेटा आंसर, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ आपके, ठीक है। चलो भाई मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो कितने होते हैं? 14, ये दोनों जगह दे रखा है, लेकिन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये नेशनल पार्क तो 90 होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा 448, आंसर कौन सा आ जाएगा? वन फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन, टोटल ग्लोबल वार्मिंग की बात करूँ, ग्रीन हाउस गैसेस दे रखी है 4, और उसमें जो मिनिमम कंट्रीब्यूट करती है ना, वो कौन सी है? वेरी गुड बेटा, बताते जाओ 44 का कौन चला जाएगा, टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगी CO2, आप तो ऑर्डर पूरा याद रखना, CO2 सबसे ज्यादा, CH4 उससे कम, CFC उससे कम, और सबसे कम हो जाएगा N2O, बात समझ भाई। चलो भाई चिपको मूवमेंट जो है वो कौन से ईयर में स्टार्टेड? इन 1974 में भी मार्च में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन रहने दो, लेकिन याद रखना, ठीक है, हल्का फुल्का याद रखना, 1974 मार्च, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, फटाफट करेंगे। हाउ मेनी जनरेशन ऑफ माइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 32 सेल्स? टाइम खत्म हो गया, 32 सेल्स बनानी है बेटा, 2^5 करेंगे, 2^n होता है, तो यहाँ पे 32 बनानी है अपने को, तो 2^5 करना पड़ेगा, जब आएगा 32
और फाइव का मतलब है कि जनरेशन पूछा है, तो फाइव चला जाएगा। ज्यादातर जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, इसमें 16 आंसर लगा के चले आएंगे, कहेंगे 32 सेल बनाना है, तो अपन 16 को एक से दो बनती है तो 16 से कितनी बन जाएगी, 32, 32 बन जाएगी। ऐसे नहीं करेंगे बेटा, इसमें पूछा हाउ मेनी जनरेशन, तो आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड। ठीक है, स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। पोलन वायबिलिटी की बात करूं 30 मिनट होता है, ठीक है, कुछ में मन तक भी होता है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, और अगर मैं 30 मिनट की बात करूं तो राइस और वीट में होता है, राइस और वीट, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बोथ 1 और 2। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। इनकरेक्ट मैच बताना है विद रिस्पेक्ट टू सिंबल, सिंबल दे रखे हैं, इनकरेक्ट मैच पूछा है बेटा, वेरी गुड बेटा, और आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताते जाओ बेटा, स्पीड में आंसर बताओ, ज्यादा टाइम बिल्कुल मत लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे, हो गया टाइम बेटा। इनकरेक्ट मैच बताना है, सबसे पहले वाला ही इनकरेक्ट दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल सर्किल में होती है ऐसे करके, फीमेल ऐसी नहीं होती चौकोर चौकोर, ठीक है, ऐसे करके, तो आंसर पहला ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा इसका बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 49 वाला, शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लो, करो भाई 49 का आंसर बताओ, 49 का आंसर बताओ, 48 का 3 नहीं होगा बेटा, 48 का 3 कैसे होगा, 48 का 3 कैसे होगा बेटा, 48 का 3 थोड़ी ना होगा, ये तो बिल्कुल सही दे रखा है ना बेटा, पहला वाला अनअफेक्टेड फीमेल थोड़ी ना है, वो सर्कल बॉक्स बना हुआ है, और जो बॉक्स बनता है वो किसके लिए, मेल के लिए बनता है। चलो फिर से बता दो, कोई बात नहीं, ये वाला देखो, ये वाला बताओ, वो बोल रहा है विच ऑफ द गिवन इज नॉट यूज, किसका यूज नहीं करेंगे डीएनए एप्लीकेशन में, और टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 3-5 है, तो यहां पे जो कर लो पहले आप बता दो आंसर फिर मैं बताऊं, हो गया टाइम बेटा, जिसमें 3-5 है उसमें 5-3 बनेगा, और 5-3 अगर ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाएगा ना, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट जो अपने को डीएनए से डीएनए बनाना है दोबारा, और डीएनए रेप्लिकेशन में, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम वर्क करेगा 5-3, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ओका जाके फ्रेगमेंट वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपने को चिपकाना पड़े, तो डीएनए लाइगेज का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज का भी यूज करेंगे, ओनली सी, आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड आंसर चला जाएगा। ठीक है, बोलो भाई बात समझ में आ रही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अहमद खान बैंगलोर और ये एसोसिएटेड किससे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ओनली 10 सेकंड ही मिलेंगे, ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए अब तक। अहमद खान ये किससे, प्लास्टिक वेस्ट वगैरह से, इसी से रिलेटेड है, चिपको मूवमेंट वगैरह में अहमद खान कहाँ जो है कुछ करेगा। ठीक है, चलो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाफट चालू हो जाओ, 51 वाला क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना बेटा, इसमें क्या ट्रू सिलोम होती है, यस इसमें ट्रू सिलोम होती है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऐसा नहीं आर्थ्रोपोडा तक पहुंचते पहुंचते डिप्लोब्लास्टिक, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे ना, अगर क्लोज टाइप के सर्कुलेशन तो क्लोज टाइप का पाया जाता है एनलिडा में और कॉर्डेटा में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इनमें ओपन टाइप का होता है। ठीक है, आंसर कौन सा आएगा, आंसर तो ऐसे फर्स्ट आ गया, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर इनकरेक्टली, बेटा इनकरेक्टली ध्यान रखना, बताओ फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर, फाइसेलिया मैंडरिना ना, ये सारी बातें दे रखी, लिमलस क्यूलेक्स के बारे में और पाइला यूनियो के बारे में दे रखा है, बस टाइम खत्म हो गया बेटा। यहाँ पे अच्छे से देखो, मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जॉइंट अपेंडेजेस, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे बात करूं डॉर्सल नर्व कॉर्ड दे रखा है, रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। ठीक है, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आपका कौन सा आया आंसर 52 का, 52 वाले का आपका कौन सा आंसर आया, वेरी गुड बेटा, 52 का थर्ड होगा, सेकंड नहीं होगा, सेकंड क्या होगा, ठीक है थर्ड होगा, टाइम खत्म होने वाला है बेटा, जल्दी आंसर बताएंगे, टाइम खत्म हो गया बेटा। यहाँ देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्क्वायरल की बात करूं, पिजन की बात करूं और क्रोकोडाइल की बात करूं, तो इनमें कौन सी चीजें कॉमन है बेटा, एक बात याद रखना, क्रोकोडाइल कहीं भी आ जाए ना, याद रखना जो चार चैम्बर हार्ट वाली बात है ना उसको पहले पढ़ लेना, क्योंकि ज्यादातर केस में वही आंसर होता है, और यहाँ पे भी यही आंसर है शायद। ठीक है, क्योंकि बाकी तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर क्रोकोडाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसमें एक ही चीजें बन सकती हैं, और वो है कितने चैम्बर हार्ट होता है, क्लियर है बात, 4 चैम्बर।
क्योंकि बाकी रेप्टाइल में कितना होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होता है। चलो भाई फटाफट 20 सेकंड देंगे, 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी आंसर बताएंगे बेटा, 20 सेकंड हो गया, टाइम खत्म। ए बी सी, पेट्रोमाइजोन, बी दे रखा है स्टारफिश दे रखा है। अगर ए की बात करूं तो इसमें वाटर वैस्कुलर ना सिस्टम पाया जाता है लोकोमोशन के लिए, सही है। बी की बात करूं तो रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस, रॉन्ग हो गया बेटा। पेट्रोमाइजोन में स्पॉनिंग वगैरह होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, लेकिन रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस नहीं, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। चलो भाई 54 के बाद 55 में आ जाओ फटाफट। नहीं ये वाला क्वेश्चन मत करो, 56 वाला करो, 56 वाला। इन फीमेल कॉकरोच कौन सा जो स्क्लेराइट वाला पार्ट होता है, बोट सेप वाला कौन सा होता है बताओ, बोट सेप वाला कौन सा होता है। हाँ भाई, बाकी प्रिंस प्रिंसी प्रिंसी वर्मा, हाँ भाई आंसर बताएंगे बेटा फटाफट बताएं, 56 वाला, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया। सेवंथ स्टर्नम कैसा होता है, सेवंथ वाला वो बोट सेप होगा फीमेल वाले में। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ 57 का। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, अपना बहुत ही अच्छा बच्चा आ गया, अभी तक मैं इसको भूला नहीं हूं। चलो भाई हो गया टाइम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, पूछ रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू फॉर बायोमोलिक्यूल फॉर्मिंग एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। तो एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड जो होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन पॉलीसेक्राइड है, काइटिन जो है एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन से मिलकर के बना होता है, होमोपॉलीमर है। लेकिन ब्रांच है क्या, नहीं ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी एट का आंसर बताएंगे बेटा। हो गया टाइम बेटा, सुक्रोज और इनुलिन दोनों में क्या कॉमन है। सुक्रोज की बात करो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है, और इनुलिन भी पॉलीमर होता है किसका, फ्रक्टोज का। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बेटा डायरेक्ट याद रखना है, मैं आपको याद भी कराता हूं ये वाली बातें कि KM और Vmax के बारे में, ठीक है। 10 सेकंड ओनली, अगर आपको ये याद होगा तो आप कर पाओगे, याद नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ये याद रखना, ठीक है। बस ये याद रखना, यहाँ पे KM अगर ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर का केस है तो KM जो होता है वो इंक्रीज होता है, जबकि Vmax की बात करूं तो रिमेन कैसी रहती है, रिमेन सेम रहती है, ठीक है। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा इसका। एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में वहां दे रखा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड जो होता है जिसमें आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड बताओ कौन कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये क्वेश्चन के लिए तो 15 सेकंड बस हो गया बेटा टाइम। बताओ सेरीन, अगर सेरीन की बात करूं तो CH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये किसमें चला जाएगा, सेरीन अमीनो एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बेटा फटाफट आंसर बताएंगे। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल में दोनों चैंबर साथ साथ रिलैक्स कर रहे होते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल में साथ साथ चैंबर क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और जब एट्रियल सिस्टोल होगा, जब कॉन्टेक्ट करेंगे एट्रिया वेंटिकल, रिलैक्स करेंगे उस समय, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व इंपल्स फ्रॉम RRC स्टिमुलेट करती है। ये तो इंस्पिरेशन से रिलेटेड है, और इंस्पिरेशन कब होगा, जब डायाफ्राम कॉन्टेक्ट करेगा, कि डायाफ्राम जो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम इन दोनों की हेल्प से होता है, ठीक है। हो गया टाइम खत्म, आंसर कौन सा जाएगा, कॉन्टेक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर इंस्पिरेशन की बात कर रहा है, पहली बात तो ये RRC को जब ये सिग्नल देता है तो इंस्पिरेशन की रेट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंस्पिरेशन से रिलेटेड है और इससे हो ही नहीं सकता, और कॉन्ट्रैक्शन आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल तो दे रखा है लेकिन एक्सपायरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, और वो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर कौन सा आएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। आपने कौन सा लगाया बेटा, अभी तक आंसर नहीं आया, आप
फटाफट आंसर बताओ 62 वाला भी, 63 में आ जाओ बेटा। ये आपको देखना रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये ए है और ये डी है, ये सी है और ये बी है। करो फटाफट, इसके लिए मैं 20 सेकंड दूंगा पूरे, या 30 सेकंड दे देता हूं आपको, 30 सेकंड दे देता हूं, 30 सेकंड में कर लो आप। टोटल 8 होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं सी की बात करूं तो सी वाला कौन सा है, कैनाइंस, कैनाइंस की बात करूं तो 1 1 2 2 2 4 4 हो जाएंगे, ये 8 नहीं होते, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, आपने से करेक्ट पूछा है। और ए वाला जो होता है वो लाइफ में केवल एक बार अपियर होता है, ए कहाँ है, ये केवल लाइफ में एक बार अपियर होता है, लाइफ में जो एक बार अपियर होते हैं। अच्छा, जो दो बार अपियर होते हैं वो कौन कौन से, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, ठीक है। ये जो होते हैं ये डायफ्यूडोंट होते हैं, दो बार आते हैं, ठीक है। तो दो बार कौन कौन से आ रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये भी सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया, और थर्ड वाला क्या दे रखा है, प्रेजेंट इन ओनली एडल्ट, ठीक है। डी की बात करूं, डी ये है, और ये जो होता है वो ओनली एडल्ट में प्रेजेंट होता है, प्रीमोलर की बात कर रहा है, ठीक है। और ये सही स्टेटमेंट भी दे रखा है, प्रेजेंट इन ओनली एडल्ट, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई, आपका आंसर आया बेटा, फटाफट आंसर बताएंगे 63 के बाद 64 में आ जाओ। हाँ भाई, टाइम खत्म हो गया बेटा। बोल रहा है इनकी सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड इन इंटेस्टाइनल ल्यूमन इज ड्यू टू, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि अगर मिसेस की बात करूं तो मिसेस ना, और जब फैट जो है, फैट एब्जॉर्प्शन होता है, फैटी एसिड सॉल्ट के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, फिर जब उसका एब्जॉर्प्शन होता है तो मिसेस के फॉर्म में। और काइलोमाइक्रॉन के बारे में तो एक बात याद रखना, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल जो होता है उसको काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं, और बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन बिलिरुबिन हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन वाले का आंसर कौन सा जाएगा, 1। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स इंस्पायरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है, और ये डिफिनेशन जो मुझे लग रही है बीसी की, और बीसी क्या होता है, टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। आंसर कौन सा चला जाएगा, आंसर सेकंड चला जाएगा, क्योंकि पहला वाला तो दे रखा है टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, ये दे रखा है आईसी, और ये दे रखा है एफआरसी, एफआरसी क्या होता है, ईआरबी प्लस आरबी, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे, कौन सा ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाता, कौन से ग्लैंड को हम हटा दें तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस जो हम लोग की बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड्स निकलने वाला, एड्रिनल कॉर्टेक्स निकलने वाला हार्मोन, जो कॉर्टिकॉइड होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और जो सेक्स कॉर्टिकॉइड होते हैं, तो इनमें कौन सा आंसर चला जाएगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स निकलने वाला हार्मोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन आता है, उसको अगर हटा दे तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद नी जर्क रिफ्लेक्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ दो, सारी चीज आती है, पार्ट ऑफ सीनस भी आता है, मोटर न्यूरॉन भी आता है, सेंसरी न्यूरॉन भी आता है, क्या नहीं आता, कौन सा नहीं आता, इंटर न्यूरॉन, कौन सा नहीं आएगा इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंटर न्यूरॉन, ये चीजें नहीं आएंगी, इसको छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट करेंगे।
रहा है स्क्रीन की बेटा, टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास चलती रहेगी ना। टेक्निकल इशू आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, क्लास चलती रहेगी, आप लोग आंसर बताते रहो। 70 वाला टाइम ज्यादा निकल गया। एंटीआरएच एंटीबॉडी, एरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस, यहां पे जहां मैं एडमिनिस्ट्रेटिंग देख लेता हूं तुरंत दिमाग में आ जाता है एंटीआरएच एंटीबॉडी। आंसर कौन सा आएगा? आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ये किससे रिलेटेड होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड होती है। इसके अलावा CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H+, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, या इलेक्ट्रिक याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंटर के मैकेनिज्म की बात करूं बिटवीन लूप ऑफ हेनले और वासर रिएक्टर के बीच में जो ऑपरेट होती है, इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां से होगा? डिसेंडिंग वाले लूप से होगा क्या असेंडिंग वाले से? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिसेंडिंग वाले से। पानी का रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? डिसेंडिंग वाले से होता है। चलो भाई हो गया इसका टाइम। बताओ पहला को ऑप्शन क्या दे रखा है? अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है वो कन्वर्ट की जाती है यूरिया में, और कहाँ की जाती है? किडनी में। रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, लीवर में होता है, यहाँ पे नहीं होगा। और आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टर्म नॉट यूज, किस यूज नहीं करेंगे अपन ह्यूमन वर्टिब्रा को डिफाइन करेंगे? तो सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5, सैक्रम 1, और कॉकेक्स कितनी होती है? 1 होती है। और कॉक्जल बोन, कॉक्जल दे रखा है, तो कॉक्जल को जो है यही आंसर चला जाएगा इसका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। वर्टिब्रा को डिफाइन करेंगे तो सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5 करेंगे बेटा, फटाफट आंसर बताएंगे 75 का। टाइम हो गया, चलो भाई आ जाओ। एक्टिन प्रोटीन की बात करूं तो एक्टिन प्रोटीन में केवल थिन फिलामेंट पाए जाते हैं, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एच जोन की बात करूं तो एच जोन में थिक और थिन दोनों होते हैं, नहीं, एच जोन की बात करूं तो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, और केवल जो है एक ही फिलामेंट पाया जाएगा, मायोसिन वाला थिक फिलामेंट होगा, थिन नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स। हाई मायोग्लोबिन कंटेंट जो होता है उसकी रेड मसल फाइबर में, ये बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि वहां पे फास्ट दे रखा है। आंसर कौन सा आएगा? 1। द पॉपुलेशन ऑफ मंकीज ओवर द लास्ट फ्यू, फटाफट करेंगे, या ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रिप्लेस ट्रांसजेनिक एनिमल हैज रिप्लेस देयर यूज। वेरी गुड बेटा, 76 का आंसर बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर चला जाएगा माइस। ठीक है, अच्छा ADI क्या है ना? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। और अगर मैं रोजी की बात करूं, ये तो काऊ है, उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, बाकी बताने जरूरत नहीं, आपको पता है। 77 के बारे में करो, 77 वाला क्वेश्चन। बेटा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जैसा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट मेथड है जीन ट्रांसफर का, किसको छोड़ दो? ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक और जीन गन, इनका यूज किया जाता है। डिसआर्म ये वाला नहीं होगा, ये डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, डिसआर्म TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसियन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। 78, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन अपने को बताना है। ऑप्शन अपने बताना है, टाइम खत्म हो गया बेटा। पहला दे रखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूं तो जो अनडाइजेस्टेड डीएनए होता है वो कवर लीस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाइजेस्टेड वाला जो होगा वो डिस्टेंस कवर करेगा, अनडाइजेस्टेड वाला थोड़ी ना कवर करेगा।
और स्टेटमेंट भी दे रखा है पीस ऑफ डीएनए का जब लिंक कर दिया जाता है ओराई वाली साइड से तो मेड टू रेप्लीकेट विद इन द होस्ट सेल इररिस्पेक्टिव टू इट्स सोर्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा थर्ड। कंप्लीट डायनल होगी, क्राई फर्स्ट एसी कॉटन वर्ल्ड वॉर में होता है और क्राई सेकेंड ए भी क्या होगा, क्राई सेकेंड ए भी क्या होगा, फटाफट आंसर बताएंगे। अब ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर देंगे, पता है, जानते हो, वो सोचेंगे जब इसको क्राई फर्स्ट एसी को कॉटन वर्ल्ड वॉर में दे रखा है तो क्राई सेकेंड ए भी कॉटन बोरर होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्राई फर्स्ट ए भी होता है ना क्राई सेकेंड ए भी, तो क्या होगा, कॉटन वर्ल्ड वॉर में होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, आंसर चला जाएगा थर्ड। ठीक है, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड ए भी दोनों ही कॉटन वर्ल्ड वॉर में होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आपको की पॉइंट बताऊं कि कहीं भी आपको प्रोटेक्ट दिख जाए ना, ढकने का काम कर रहा है तो ढकने का काम से याद ही रखना नियंडरथल वाला मानव है, नियंडरथल। ठीक है, और नियंडरथल कहां दे रखा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में दे रखा है, आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा है, करो। चलो भाई टाइम खत्म हो गया बेटा, ये डिस्ट्रप्टिव वाला ग्राफ बना रखा है और इंडस्ट्रियल मिलेनियम की बात करूं तो ये तो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया था और इसमें इंडस्ट्रियल मिलेनियम तो होगा नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अच्छा, फर्स्ट के बाद सीधे फोर्थ वाला देख ले अपन कि लाइट और डार्क कलर के, हाँ, और अगर इनकी बात करूं बेटा देखो यहाँ पे इसमें दे रखा है लाइट और डार्क वाले जो है उनके लिए तो एडवांटेज है, लेकिन जो मेडियन वाले हैं बीच वाले जो है वो एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, नेचर के द्वारा। तो देखो लाइट और डार्क वाले इनके लिए एडवांटेज है, लेकिन बीच वाले क्या होते चले जा रहे हैं ना, बीच वाले बिल्कुल जो है इलिमिनेट होते चले जा रहे हैं नेचर के द्वारा, तो यही आंसर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा कौन सा, फोर्थ आंसर आ जाएगा डिस्ट्रप्टिव वाले ग्राफ में। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि जो है अगर आ जाए तो आप लोग कर लो। कौन सा ऑड है एनालोगस ऑर्गन के रिस्पेक्ट में, जल्दी बताएंगे बेटा आंसर, टाइम खत्म हो गया बेटा। अगर मुझे एक बात बताओ, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंडिल ऑफ कुकरबिट, क्योंकि ऑक्टोपस ह्यूमन की बात करूं तो ये तो एनालोगस ऑर्गन है, पोटैटो स्वीट पोटैटो भी है, लेकिन अगर इनकी बात करूं तो दोनों ही स्टेम के मॉडिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए काम होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लाइंबिंग वगैरह के लिए इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो सपोर्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ये तो एनालॉगस का एग्जांपल है ये बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया ली गई थी और मिलर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, अमेरिका का साइंटिस्ट था, टेम्परेचर कितना लिया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 84 वाला। हो गया बेटा टाइम खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेलुलर साइटोकाइन। फिजिकल बैरियर की बात करूं तो वो क्या होता है, वो तो हो गया म्यूकस कोटिंग, ठीक है, ये जो फिजिकल बैरियर होता है, और फिजियोलॉजिकल हो गया स्लाइवा, तो बस मिला लो इतने में ये आंसर आ जाएगा। सेकंड का हो गया ए, सेकंड का ए हो गया, और फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो फर्स्ट का डी यहाँ भी दे रखा है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आंसर आ रहा है। अच्छा, सेलुलर बैरियर वाला कौन सा जाएगा, ये तो मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल, एनके सेल भी इसको कभी कभी बोल देता है, एनके सेल, ठीक है, तो थर्ड वाला कौन सा जाएगा, सी, तो थर्ड वाला सी, अब तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट। हाउ मेनी एंटीजन बाइंडिंग साइट, अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका तो। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, करो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना बेटा, ये डायग्राम किसका है, पहले डायग्राम बता दो किसका है, आधे बच्चे तो डायग्राम में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, डायग्राम किसका है, मॉर्फिन का डायग्राम है, आप कर लो, ठीक है।
आप कर लो मॉर्फिन का डायग्राम है, दो डायग्राम बने हुए हैं कैनाबिनोइड्स का और मॉर्फिन का, मॉर्फिन और कैनाबिनोइड दो डायग्राम बने हुए हैं, उसमें से इसका आंसर बताना है। टाइम खत्म होने वाला है, बस 25 सेकेंड। अच्छा बताओ, पहला है डाई, अगर पहले बात करूँ तो डाई एसाइलेटेड फॉर्म स्टम स्मैक, बिल्कुल सही बात है, अगर स्मैक की बात करूँ तो इसका डाई एसाइलेटेड फॉर्म होता है। अच्छा, और फर्स्ट के बाद सीधे अगर फोर्थ वाला हम देखें तो वो क्या बोल रहा है कि और सीएनएस और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोनों को अफेक्ट करता है, ये रॉन्ग है बेटा, क्योंकि सीएनएस और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को करता है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इसको अफेक्ट करने का काम कौन करेगा, इसको अफेक्ट करने का काम करेगा जो अपना कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। बस 15 सेकंड देंगे, हो गया टाइम। ये जो ये शो करते हैं सुपरफिशियल रिजेम्ब्लेंस, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब है कि उनका जो है फंक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना है। अच्छा, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल सही है, और ये सेम डेवलपमेंटल स्टेज को फॉलो करते हैं, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर सेम डेवलपमेंटल स्टेज हो जाएगी तो ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे, ना कि एनालोगस ऑर्गन, क्योंकि एनालोगस ऑर्गन में फंक्शन सेम होने चाहिए। ये वाला तो छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन मत करो, 88 वाला 89 वाला कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फेटिक टिश्यू जो होता है प्रोवाइड करता है माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, ऐसा कौन है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थाइमस ग्लैंड इसका आंसर जाता है, थाइमस ग्लैंड जो होता है यही माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यूट्रस जो है वो कहां पे होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाओगे आंसर आ जाएगा इसका, कॉमन सेंस लगाओगे आंसर आ जाएगा बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूट्रस कहां होता है? यूट्रस इज एट कहां होगा? सुपीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, सुपीरियर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, सुपीरियर पोजिशन में चला जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इस तरीके से मैंने ये 90 क्वेश्चन कराया आपको, और ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल इशू रहा उसके लिए सॉरी, और वो कोशिश करूंगा कि आगे से ना हो, फिर भी आपको दिख रहा था, ठीक है। चलो भाई, मोटिवेशन बनाए रखिए बेटा, दिन बहुत ही कम बचे हुए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, यही सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर और भी कोई सेशन चाहिए, और भी कोई चीज़ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके या चैट में या टेलीग्राम में कहीं भी मुझे बताएं, और मैं वो सेशन आपके लिए ले आऊँगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और की पॉइंट सेशन यही दोनों लास्ट में करा दूंगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। चलो भाई ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जो है फिर आगे की चीज़ें करते हैं, कल कोशिश करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी के लिए की पॉइंट वाली सीरीज लेकर के आऊँ, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, गुड नाइट।